हाँ डिठी काफ टुकड़ी है बेटे, सब तो पहला करते हैं पहरे नू चंगी तरह समझना है, एक एक वर्ड का मीनिंग देखना है, वो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर देने ने। सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया। एक दृष्टांत दिता है, तारे छपे अंधेर पलोआ, सिंह बुगे मिर्गावली, मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर तरोआ, पन्नी जाए ना तीर तरोआ, तीर नहीं है तीर है बच्चे नोट करो, पन्नी जाए ना तीर तरोआ। जिथे बाबा पैर धरे, जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापन सोआ, पूजा आसन थापन सोआ। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो, पैरे नू समझ के एक एक वर्ड का सतगुरु का मीनिंग पता होना चाहिए। सतगुरु मीन्स सच्चा गुरु, सतगुरु विच केड़ा अगेत्र लगा है, सत होर की बंदे इहदे नाल, सत नाम है ना, सतपुरख, ठीक है, सत बचन, सतगुरु। फर्स्ट क्वेश्चन, किस गुरु साहिब दे, नोट करो, किस गुरु साहिब दे अवतार धारण की गल की गई है। गुरु नानक देव जी, सच्चे गुरु, नेक्स्ट गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु अमरदास जी, गुरु नानक देव जी। नोट कर लो बेटे, कुछ ही क्वेश्चन के आंसर तो तुम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा शब्द किस लिए वर्त्या है, जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापन सोआ, बाबा शब्द गुरु ग्रंथ साहिब लई, नोट करो, गुरु नानक देव जी महापुरख, महापुरखा लई। नेक्स्ट गुरु साहिबान लई, गुरु नानक देव जी लई, गुरु ग्रंथ साहिब जी लई, महापुरखा लई, संता महात्मा लई, नोट करो, जिथे बाबा पैर धरे, बाबा शब्द किस लिए वर्त्या, गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह शब्द तो की भाव है, सूरज, शेर, बहादुर, चानन, शेर। सिंह बुके मिर्गावली, शेर। नेक्स्ट है, इथे शेर किसे जानवर लिया गया है, शेर। हां जी बेटे, क्वेश्चन रिपीट। ओके बच्चे, सिंह शब्द तो की भाव है, भाव दसना है, ठीक है, एदा अर्थ नहीं पूछा, भाव ते अर्थ विच मीनिंग है, मीनिंग दा फरक है। अर्थ हुंदा है सिंह दा मतलब तो हुंदा है सिख, बहादुर, ठीक है, सिंह मीन्स परमात्मा, गुरु गोबिंद सिंह जी साजे हुए सिंह भी हो सकता है। इत्थे सिंह भाव की है, सिंह बुके मिर्गावली, मिर्गावली दा की मीनिंग है, चलो मिर्गावली दा अगे लिखो मीनिंग, लिखो मिर्गावली शब्द किस लिए वर्त्या है, जां इहदा क्वेश्चन है कि शेर तो बिना, सिंह तो बिना और केड़े जानवर का नाम आया है एदे विच। हाँ बोलो, शाबाश, नहीं नहीं, शेर शब्द का आया, सिंह शब्द का भाव है शेर, सिंह तो बिना और केड़े जानवर का नाम आया, वही शब्द ओदा अर्थ है, मृगावली का अर्थ है।
यस, जो मिर्गावली का अर्थ है वही दूसरे जानवर का नाम है। चलो ये हिंट देता तुहानू, सिंह बुके मिर्गावली, पन्नी जाए ना तीर तरोआ, इस तुक का मीनिंग समझ लो। शेरा दी गर्ज सुन के, बुक मीन्स गर्ज सुन के, है नो, हिरना दी डार दूर भज जाती है, शेर दी भबक सुन के। नोट करो, सिंह तो भाव है शेर, मिर्गावली तो भाव है हिरन, जां इन्हां सत्रां विच केड़े केड़े जानवर का नाम आया है, शेर ते हिरन। उत्थे ऑप्शन च आएगा घोड़ा ते हाथी, शेर ते हाथी, शेर ते हिरन, हिरन ते हिरनी, किहदा नाम आया है, शेर ते हिरन। इदां पेयर बना के आया होएगा जे ऑप्शन च आए, ठीक है। हुण इत्थे तुहानू सोचना पिया कुछ, और मिर्गावली का मीनिंग तुसीं बड़ी बारी अगे भी पढ़िया होया, मैं तुहानू मिर्ग का पता है तुहानू, ते जिहड़ी मिर्ग दे अंदर कस्तूरी होंदी है ना, ते मिर्ग उहदी खुशबू नूं जानदा नहीं है। कस्तूरी समझदे हो ना, खुशबूदार पदार्थ, ते उहदे तों अनजान हुंदा है, इस उसे अंदर ही होंदी है, छुपी होंदी है, ते उस खुशबू तों अनजान हुंदा है। ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਣਡਿੱਠੀ ਕਾਵ ਟੁਕੜੀ 'ਚ ਲਿਖੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਹਿਰਨ ਔਰ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਹਿਰਨ, ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਸੂਰਜ, हिरन। नोट करो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस शब्द विच चानन शब्द किसका प्रतीक है, सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानन हुआ। नहीं 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 नहीं, मैं ऑप्शन दस दी, ऑप्शन देखो, चानन शब्द का अर्थ है चंद्रमा, चानन का अर्थ है सूरज, चानन का अर्थ है ज्ञान, चानन का अर्थ है तन दौलत, रब्बी ज्ञान का चानन। जे रब्बी ज्ञान नाल वर्ड दिता, रब्बी लिख दो, ज्ञान मीन्स रब्बी ज्ञान, ते कदा हनेरा दूर होया अज्ञानता दा, मिटी धुंद, धुंद किदी मिट गई है, अज्ञानता दी। अगला क्वेश्चन भी नोट कर लो, क्योंकि तुहानू आने 5 क्वेश्चन है, मैं पर तुहानू जिन्ने बंदे मैं उन्ने करा देने 10 क्वेश्चन। किहड़ी धुंद मिटन दी गल कीती है, जबर जुलम दी, अज्ञानता दी, अज्ञानता, जबर जुलम, बोलो बेटे, अज्ञानता दी, जां झूठ दी, सच दी, केड़ी आनी है, अज्ञानता दी। ज्ञान तो सखने, केड़े ज्ञान तो सखने, रब्बी ज्ञान तो। चारे पासे केड़ी धुंद फैली हुई सी, अज्ञानता। अज्ञानता दे विच बहुत कुछ आ जांदा है, झूठ, फरेब, लुट कसुट, बेईमानी, क्योंकि जो गुरु नानक देव जी प्रगट होना उस तो पहला लुट कसुट हो रही थी, अज्ञानता फैली हुई थी, हक मारे जा रहे सन लोगों के। ते सच्चे गुरु कौन प्रगट होए, गुरु नानक देव जी। किवें प्रगट होए, जिवें सूरज निकलण नाल रात का हनेरा की हो जाता, ठीक है, तारे छिप जाते हैं, की छिप जाता। हुण क्वेश्चन है, सूरज चढ़न नाल की छिप जाता है, नोट करो, चंद्रमा, तारे, नोट करो बेटे, बदल। सूरज चढ़न नाल की छिप जाता है, तारे छिप जाते हैं, अंधेरा की हो जाता है, दूर हो जाता है। नोट करो, सूरज चढ़न नाल की दूर होता है, अंधेरा, अंधेर, पलोआ, पलोआ शब्द तो मतलब चले जाता है, वेरी गुड, दूर हो जाता है। पलोआ का मीनिंग लिख लो, पलोआ शब्द तो अर्थ है दूर हो जाना, हट जाना, चले जाना। कोई जड़ी ऑप्शन होएगी, पलोआ शब्द तो की भाव है, दूर हो जाना, हट जाना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केड़ी थां पूजन योग बन गई, पूजा आसन थापन सोआ, जिथे भी गुरु जी गए
घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। अगली लाइन ये है, वैसे तुहाडे चार चार लाइना का पहरा दिता ना, इस तो जे अगे लाइन होवे घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। गुरु नानक देव जी के प्रगट होने नाल घर घर की बन गया, धर्मशालावां गुरुद्वारे बन गए, ते रब दे नां दा की होण लग गया, कीर्तन। ते लास्ट लाइन है, गुरमुख कल विच प्रगट होए। गुरु नानक देव जी कलयुग के समय विच प्रगट होए, किहड़े समय विच? सतयुग च, द्वापर च, जां कलयुग च? कलयुग विच। जिहड़ा समा अन्याय दा सी, ठीक है, डन बेटे। हुण आपां ग्रामर दी करिए, असाइनमेंट नोट करो। यह पैरा सबनों क्लीयर हो गया? किसी नूं कोई डाउट? मीनिंग सबनों पता लग गए? सिंह शब्द का की मीनिंग है? शेर। मिर्गावली का की मीनिंग है? हिरन। ठीक है, पलोआ का की मतलब है? दूर हो जाना। अंधेर मीन्स रात का हनेरा। किवें दूर हुंदा है? यस, रात का हनेरा किवें दूर हुंदा है? सूरज निकलना। सूरज निकलने नाल की छिप जाते हैं? तारे छिप जाते हैं। एक एक वर्ड का मीनिंग क्लीयर हो गया। गुरु नानक देव जी ने किन्हां दे अंदर हौसला पैदा किया? धीर धरोआ। धीर धरोआ का मीनिंग लिखो पहले। धीरज पैदा किया, कमजोर हो चुके लोगों अंदर। इन्हां सत्रां विच गुरु नानक देव जी ने किन्हां अंदर हौसला पैदा किया? सा सतहीन हुई जनता अंदर, जिहड़े औखे हो गए सन, किन्हां तों? हाकमां दे जुल्मां तों तंग आ चुके सन, उन्हां दे अंदर धीरज पैदा किया। नोट करो, धीर धरोआ का मीनिंग है हौसला पैदा करना। धीर धरोआ मीनस हौसला पैदा करना। हुण आपां करिए ग्रामर दी एक असाइनमेंट, मुहावरे प्लस बो अर्थक शब्द लिखो बेटे। सही मुहावरा चुनो। नंबर वन, सही मुहावरे दी चोन करो। सोच के करना, लिखो बेटे। सही मुहावरे दी चोन। कखा तो भारे होना, उड़ा ऑप्शन। कखा तो भारे होना, कमर लमकौनी, कमर लमकौनी, ईडी ऑप्शन। कमर सिद्धि करनी, कमर सिद्धि करनी, सस्सा ऑप्शन। कदमा विच मिट्टी पौनी। सही मुहावरा चुनो, कदमा विच मिट्टी पौनी। इन्हां चारां चो मुहावरा केड़ा सही है? लक्ष्य गुजराल। केड़ा मुहावरा सही है? कदमा विच मिट्टी पौनी, लास्ट ऑप्शन। चारा चो मुहावरा सही केड़ा? हाँ जी, पहला गलत हो गया। सिमर, कमर सिद्धि करनी करेक्ट ऑप्शन। हुण इन्हां सारयां दे मीनिंग दसो। कखां तो की हुंदा? इंसान होले हुंदा। हुण इन्हां दा भी समझ लो करैक्ट की बनना चाहीदा, नाल चार मुहावरे लर्न हो जाणगे। होर कखां तो भारे होना कि होले होना? होले होना। इहदा मीनिंग की है? नाल मीनिंग भी दस दो फिर। इहदा मतलब तुहानूं मुहावरे नहीं आउंदे। कखां तो होले होने का मीनिंग भी दस दो। जे क्वेश्चन आ जाता कखां तो होले होने का मीनिंग चुनो, की कहोगे? झूठ बोलना, गुस्से होना, शर्मिंदा होना। बोलो, शर्मिंदा होना। ठीक है, की आना मीनिंग? कखां तो होले होना मुहावरे का सही अर्थ चुनो। ये शर्मिंदा होना आना है, ठीक है? बदनाम होना, झूठे होना, गुस्से होना, या शर्मिंदा होना। हुण इन्हां विचों केड़ा मुहावरा होर सही हो सकता है? कमर लमकौनी तो चलो मुहावरा ही नहीं है, क्योंकि कमर सिद्धि करना मुहावरा। अच्छा, कदमां विच मिट्टी पाउणा नहीं हुंदा, की हुंदा? मैं लास्ट वीक तुहानूं मुहावरा कराया, कदमां हेठ, कदमां हेठ अखां विछाउणा, आदर सत्कार करना। चलो, कदमां हेठ अखां विछाउणा दा मीनिंग दस दो। इहदा मतलब तुहानूं कक्का भाग मुहावरे नहीं आउंदे। एक मुहावरा चुनण दे नाल तुहानूं बाकी मुहावरियां दे मीनिंग भी पता लग गए,
ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋਣਾ। ਸਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਦਮਾਂ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਦਮਾਂ ਹੇਠ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਕਦਮਾਂ ਹੇਠ ਸਿਰ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਕਦਮਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ, ਕਦਮਾਂ ਹੇਠ ਹੱਥ ਵਿਛਾਉਣੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਵਰਡਿੰਗ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਣਾ ਹੈ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡੈਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਆਣਾ ਹੈ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਲਿਖੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੱਖਾ ਤੇ ਕੱਕਾ ਭਾਗ ਮੁਹਾਵਰੇ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੱਕਾ ਭਾਗ ਚ ਵੀ ਹੈ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਇਹ ਖੱਖਾ ਭਾਗ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਮੁਹਾਵਰੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਕਾ ਭਾਗ ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖੱਖਾ ਭਾਗ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਯੈਸ ਬੇਟੇ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਦੱਸੋ, ਕੱਕਾ ਭਾਗ ਚ ਵੀ ਹੈ, ਖੱਖਾ ਭਾਗ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਯੈਸ ਬੇਟੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੋ ਰਿਸਪੋਂਸ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਕੌੜੇ ਘੁੱਟ ਭਰਨੇ, ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਣਾ, ਕੌੜੇ ਫਲ ਵਾਂਗ ਵਧਣਾ, ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ। ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਣਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਂਸਰ? ਭੂਮਿਕਾ, ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ। ਚਲੋ, ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਲਰਨ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੌੜੇ ਘੁੱਟ ਭਰਨੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ। ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬੋਲਿਆ? ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨੀ। ਚਲੋ, ਹੋਰ, ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜ ਛੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਲਰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਿਟ ਡਾਊਨ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਨੈਕਸਟ। ਹੁਣ ਲਿਖੋ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਰਥ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੁਣੋ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਚ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਕਾ ਭਾਗ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਜਾਂ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੱਕਾ ਤੇ ਕੱਕਾ ਭਾਗ, ਕੰਨ ਤੇ ਜੂਣਾ ਸਰਕਣਾ, ਰੇਂਗਣਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂਣਾ ਸਰਕਣਾ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਾਊਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ? ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂਣਾ ਸਰਕਣੀ, ਕੰਨ ਵਲੇਟ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਕੰਨ ਵਲੇਟ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਐਗਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਣੀ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨਾ ਅਰਥ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਦੱਸੋ, ਕੰਨ ਵਲੇਟ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ ਕੰਨ ਘੇਸਲ ਮਾਰਨਾ। ਕੰਨ ਘੇਸਲ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਕੰਨ ਵਲੇਟ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਸੁਣੀ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ। ਚਲੋ, ਨੈਕਸਟ। ਚਲੋ, ਸਿਆਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੋ ਅਰਥ ਚੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਸ਼ਬਦ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ 1 to 75 ਮੀਨਸ ਉੜੇ ਤੋਂ ਤੱਤੇ ਤੱਕ, ਉੜੇ ਤੋਂ ਤੱਤੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਉੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਅਕਲਮੰਦ, ਸਿਆਣਾ ਗਰੀਬ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤਿੰਨੋਂ ਵਰਡ ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣਾ,
ਕਿਤੇ ਦੋ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗਲਤ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚ ਅਕਲਮੰਦ, ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹਕੀਮ ਅਕਲਮੰਦ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹਕੀਮ ਅਕਲਮੰਦ ਬਿਮਾਰ, ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਆਣਾ ਅਮੀਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ। ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਹਕੀਮ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਹੁ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਕੀਮ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਿਆਣਾ ਮੀਨਸ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸੀ? ਸਿਆਣਾ। ਵੈਸੇ ਸਿਆਣਾ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਾ ਹਕੀਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਅਗਲਾ ਅਕਲਮੰਦ, ਅਕਲਮੰਦ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਛਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਿਆਣਾ। ਦੱਸੋ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ? ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ? ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਗੁੱਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗੁੱਟ, ਆਹ ਗੁੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਟ। ਗੁੱਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਗੁੱਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹੀ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਚੁਣੋ। ਧੜਾ ਬਹੁਤ, ਪਾਸਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਹੁਤ ਤੇ ਧੜਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਹੁਤ ਤੇ ਨਤੀਜਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਹੁਤ ਤੇ ਨਤੀਜਾ। ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ। ਦੂਜਾ ਮੀਨਸ ਮੀਨਿੰਗ ਬੋਲੋ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ, ਹਾਂ, ਧੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ, ਧੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ। ਧੜਾ ਵੀ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਧੜਾ, ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਉਹ ਹੈ। ਗੁੱਟ ਮੀਨ ਧੜਾ, ਧੜਾ ਮੀਨ ਧਿਰ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ, ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਬੇਟੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਿੱਤਾ ਭੋਗਣਾ ਅਰਥ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੁਣੋ। ਕਿੱਤਾ ਭੋਗਣਾ ਅਰਥ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਲਿਖੋ ਬੇਟੇ। ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕਿੱਤਾ ਜਾਣਨਾ ਲਿਖੋ ਬੱਚੇ। ਕੁਫਰ ਤੋਲਣਾ, ਕਿੱਤਾ ਜਾਣਨਾ, ਕੁਫਰ ਤੋਲਣਾ। ਕਰਨੀ ਭਰਨੀ, ਯੈਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ ਪਰਨੀ ਦਾ? ਹੁਣ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੀਨਿੰਗ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਰਨੀ ਪਰਨੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੀਨਿੰਗ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੋਲੋ। ਠੱਗ ਲੈਣਾ, ਕੀਤਾ ਭੋਗਣਾ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ, ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣਾ, ਕੀਤਾ ਭੋਗਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਭਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਬਲੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਡੈਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁਹਾਵਰਾ ਭਰਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਿਖੋ ਸੁਸਤ। ਗਿਰਗਟ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਗਿਰਗਟ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ, ਗਿੱਲਾ ਪੀਹਣ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੱਗਾ ਪਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਖੱਖਾ, ਗਿੱਲਾ ਪੀਹਣ ਪਾਉਣਾ,
अगे है गुगल होना, गुगल होना गंगा नहाना। ये चारे मुहावरे सही ने पर सूटेबल की भरना है। कई कई लोग इन्ने सुस्त होंगे डैश चाहते हैं, गिरगट वांग रंग बदल जाते हैं, गिला पीन पा लेंगे पा जाते हैं। नहीं नहीं गिरगट वांग रंग बदलने वाले तो मौका प्रस्त होंगे ने, गिला पीहन पाना काम नू लमकांदे हन सुस्त लोग। अगे गंगा नहाना तो होंगे ने जेडे अपने काम तो सुरखुरू होंगे ने। गंगा नहाना का की मीनिंग होंगे, जिम्मेवारियां तो मुक्त हो जाना। हुण नाल नाल बाकी मुहावरियां दे अर्थ कर लो तां जो तुहानू मुहावरे लर्न हो जान। गंगा नहाना का की मीनिंग होया, जिम्मेवारियां तो मुक्त हो जाए। होर केड़ा मुहावरा बोलिया सी, गुगल होना का की मीनिंग है, मैं तुहानू करवाया नुकसान हो जाना। ठीक है, वह भी नहीं हो सकता। की आना इत्थे, गिला पीहन पौना, गिला पीहन पाके बैठ जाते हैं केड़े लोग, जेड़े लोग। अच्छा सुस्त लोगों लिए केड़ा मुहावरा यूज करांगे, गिला पीहन पाके बैठ। ओदे मुहावरे दिते होंगे कि गुगल हो जाते हैं, गिरगट वांग रंग बदलते ने, गिला पीहन पाके बैठ जाते हैं। हुण चारा मुहावरिया का मीनिंग पता लग गया। कौन आके इत्थे बोलेगा, इत्थे आके चारे मुहावरिया का मीनिंग कौन बोलेगा? अज है आओ आओ, वेरी गुड। कोई गल नहीं, ये तो सगो वधिया ये अपरचुनिटी मिली है। आज बेटे आज, वेरी गुड। गिला पीहन पौना मुहावरे का मीनिंग बोलो। काम नू लमकाना, गिरगट वांग रंग बदलना, गिरगट वांग रंग बदलना, मौके अनुसार बदल जाना। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा नहाना। नो गंगा नहाना जिम्मेवारियां तो, ते लास्ट सिगा गुगल होना नुकसान हो। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट लिखो। सानू अगला मुहावरा लिखो, सानू गरीबां दी डैश नहीं चाहिदी। मुहावरा फिल करना है, मीनिंग नहीं। सानू गरीबां दी डैश नहीं चाहिदी। मिट्टी उड़ानी, नोट करो, मिट्टी उड़ानी, गिल गुआनी, खिल्ली उड़ाना। नेक्स्ट है खार खानी, खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिदी। ना वाचक च बनना की आना, खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिदी। ठीक है, गल गुआनी की होंदा, एवें गल गुआ देनी, ओदा मीनिंग नाल नाल कर लो। खार खानी ईरखा करनी, कई गल्लां विच खार खानी भी आ सकता सानू, पर वो हुंदा किसी दी तरक्की नू देख के डैश नहीं करनी चाहिदी। फिर की आना सी, खार नहीं खानी चाहिदी। खार नहीं, उत्थे खिल्ली उड़ाना नहीं आ सकता। खिल्ली किहदी उड़ाई जांदी है? गरीबां दी, कमजोरां दी। ठीक है, मजाक उड़ाना ते तरक्की नू देख के की कीता जांदा? ईरखा कीती जांदी, खार खाई जांदी है। ये भी सोच समझ के पण। ते सरमाएदार लोकां दा की चूसदे हन? खून निचोड़दे हन। खून निचोड़ना दा की मीनिंग है? तंग करना। हुण लिखो मुहावरे, एक पासे अर्थ लिख लो, फिर तुहानूं क्लीयर हो जाएगा। नोट करो, अपने आप मीनिंग लिखना, जिहड़ा नहीं आएगा मैं बोलांगी। खे छांदे फिरना मुहावरे का अर्थ लिखो। खे छांदे फिरना, खे दा मतलब मिट्टी, थां थां टकरा मारदे फिरना, रुलदे फिरना, थां थां रुलदे फिरना, थां थां टपदे फिरना। मीनिंग देखो केड़े केड़े आने हैं। थां थां विले फिरना नहीं, खे छांदे फिरना विले भी आ सकता, विले। पर किस सेंसों की, कई बार पढ़े लिखे नौजवान भी तो खे छांदे फिरदे बेचारे, जदों टकरा मारदे फिरदे। टकरा मारनियां एग्जैक्ट है, थां थां ते भटकदे फिरना, भटकदे फिरना। नौकरी लई खे छांदे फिरदे, नौकरी तो फिर नहीं मिलती। हाँ वेलियां लई भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है भुल भुला जाना। अर्थ का मुहावरा दसो, भुल भुला जाना। यह गग्गा भाग च आ गया, भुल भुला जाना, कोई दस सकता? ऑप्शन दसा, चलो लिखो। है वेरी गुड, गल नहीं, गल ठंडी पै जानी। इन काफी हद तक
पहुंच गया सी उत्थों तक, गल ठंडी पै जानी दा मीनिंग की है, भुल भुला जाना। जदों गल ठंडी पै जाए तो दोबारा छेड़नी नहीं चाहिए, जे दोबारा छेड़नी तो फिर मूर्खता है ना। देखो जे एक गल ठंडी पै गई एवं रिश्तों क्यों कड़वाहट च लैके जाना, हुण गल ठंडी पै गई दोबारा क्यों छेड़नी, एवं दोबारा लड़ाई झगड़े छेड़ने। नैक्सट है खूह दी मिट्टी, अगे मुहावरा कंप्लीट करो। खूह दी मिट्टी मिट्टी नू लग जानी, खूह दी मिट्टी खेतां नू लग जानी, खूह दी मिट्टी खूह नू लग जानी, खूह दी मिट्टी घर नू लग जानी, खूह दी मिट्टी खूह नू लग जानी। ये मुहावरा दा मीनिंग भी दस दो, हुण इस मुहावरे दा मीनिंग भी दस दो। हुण जे पता है खूह दी मिट्टी खूह नू ही लगती है, मीनिंग यस, जिन्नी कमाई उस तो वध खर्च हो जाना, जिन्नी कमाई हो उस तो घट खर्च होना, जिन्नी कमाई उन्ना ही खर्च हो जाना जां काम बंद हो जाना। खूह दी मिट्टी खूह नू लग जानी, जिन्नी कमाई उन्ना खर्च हो जाना। नेक्स्ट मुसीबत खड़ी करनी अर्थ दा मुहावरा दसो। ये मैं लास्ट वीक करवाया होया, लास्ट वीक करवाया सी। मुसीबत खड़ी करनी, खूह पुटना, खूह पुटने नू खाता तैयार। जेड़ा किसे लिए खूह पुटता आप भी खूह विच ही दिखदा है, ठीक है। एदा मत एदे नाल दा एक मुहावरा कक्का भाग च कीता सी, कंडे बीजना। कंडे बीजना दा भी की मीनिंग है, मुसीबत खड़ी करनी, ठीक है। तुसी कक्का खक्खा भाग मुहावरे चंगी तरह याद करने हैं। ओके बेटे, थैंक यू सो मच।